कोयटा के इलाके हजारा टाउन में खेल के वाहिद ग्राउंड पर कब्जा माफिया ने नजरें जमा ली। मैदान को हाउसिंग स्कीम में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिससे नौजवान खेलने की जगह से महरूम हो जाएंगे। मजीद बताएंगे आसिम खान। आसिम, क्या मकामी लोगों ने इस मामले पर कोई एहतजाज किया है? जी बिल्कुल, कोयटा में कब्जा माफिया ने अब खेलों के मैदानों को भी नहीं बख्शा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा के हजारा टाउन में, जहां के वाहिद ग्राउंड पर कब्जा माफिया ने इस वक्त कब्जा कर लिया है। यहां पर तामीराती अमल भी शुरू कर दिया गया है, यहां पर बजरी और रेत लाकर खुदाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है, और इसकी वजह से हजारा टाउन की आबादी अपने वाहिद फुटबॉल ग्राउंड से भी महरूम हो चुकी है। यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 जो बच्चे हैं वो आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, ताहम अब वो इस ग्राउंड से महरूम होने लगे हैं। तो उनकी हुकूमत से ये अपील है कि सब मामले को देखें और जल्द अज जल्द हल करें, ताकि उनके जो एक बड़ा मसला उनके लिए खड़ा हुआ है वो हल हो सके। जी शुक्रिया आसिम खान।